देख रहे हैं डीजी आनंद न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हाट रोड से सदर बाजार तक की गई दुकानों पर कार्रवाई। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा कई समय से रोड पर अतिक्रमण किए दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आज पुलिस द्वारा हाट रोड से लेकर निचला बाजार तक सदर बाजार में दुकानों पर कार्रवाई की गई व कई दुकानों के चालान भी बनाए गए, वहीं कई दुकानों का सामान भी जब्त किया गया। आज जयसुन चौराहे से सदर बाजार, सराफा, निचला बाजार, यहाँ सभी जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। जिन जिन की दुकानदारों ने दुकान के बाहर सड़क पर सामान रख रखा था, यातायात अवरुद्ध हो रहा था, तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभी 4-5 दुकानों का सामान जब्त किया है और 6-7 दुकानदारों ने मौके पर चालान लगवा दिया है। पिता पुत्र के साथ मारपीट कर लूटे 93,500 रुपए। बैंक से अपने ग्राम पखरियापुरा जा रहे ग्रामीण को रास्ते में उसके पुत्र का फोन आता है कि उसके साथ कुछ अज्ञात लोग मारपीट कर रहे हैं। अपने छोटे पुत्र को बचाने के लिए वह अपने बड़े पुत्र के साथ ग्रामीण पहुंचता है तो उसके साथ भी मारपीट की जाती है एवं उसकी जेब में रखे 93,500 रुपए निकाल लिए जाते हैं। वहीं उनके द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर पुलिस द्वारा लूट की गई रकम नहीं लिखी जाती। वहीं पुलिस द्वारा उनसे सबूत भी मांगा जाता है कि इतनी रकम आखिर आपके पास कहां से आई। जब ग्रामीण ने सबूत भी दिखाए तो भी उसकी शिकायत नहीं सुनी गई। सब इसी में लगा है, ये है, ये देखो, इससे निकाले थे मैंने, ये भी आगे रखी थी, फिर पासबुक रखी थी और इसी के अंदर दोनों गड्डियां रखी, क्योंकि गृहस्थी का सामान लेके जा रहे थे। मैंने कंप्यूटर पर समय देख लें कितनी बजे मैंने पैसे निकाले और मैं कितनी बजे अपने घर जा रहा और कहाँ पे झगड़ा हुआ रास्ते। उस समय ये पैसे भी थे मेरे पास, ये इस जेब में थे इसके अंदर। मैं बैंक से अपने घर के लिए खेती बोने के लिए 98,000 रुपये निकाल कर मैं अपने घर जा रहा था। बीच में मेरे बालक से झगड़े होने के कारण उसने फ़ोन किया कि मेरे को लूटमार कर रहा है, तो मैं अपने मोटरसाइकिल से बड़े बालक के साथ था। मैंने रिटर्न करी, मैं मौके पर पहुँचा तो उन्होंने मेरे पर हमला बोल दिया। हमला बोलकर मेरे पास 98,000 रुपये बैंक से निकाले थे, वो थे, जिसमें से 93,500 रुपये छीन कर ले गए। मैं फिर पुलिस थाना पहुंचा, पुलिस थाने पहुंचकर मैंने ये मेरी हकीकत सुना तो उन्होंने रिपोर्ट मेरी सही तरीक़ा से नहीं लिखी। मैंने बार बार रिपीट किया कि मेरे 93,500 रुपये निकल चुके हैं और ले गए हैं। उन्होंने कहा कि सबूत दो, तो मैंने बैंक से बैंक पासबुक चेकबुक लाकर उनको दी, तो भी मेरे कहने के मुताबिक उनने 93,500 रुपये की मेरी रिपोर्ट नहीं ली। अच्छा, आपने 98,000 रुपये बैंक से निकाले तो 93,500 रुपये लेकर बाकी कैसे उन्होंने मतलब पैसे मतलब छोड़ दिए आपको? मुझे मेरी चेकबुक और पासबुक से रेस गड्डी थी, उन्होंने खींचते समय वो कैसे छूट गया सर में, तो फिर नपचल हो गया था, जमीन पर गिर गया, तो वो कैसे छूट गए जेब में, मेरी जेब में वो प्रपाटी नोट रेस थे, तो इसलिए वो मेरे को 5,500 रुपये मेरी जेब में मिल गया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के नारे को पलीता लगाता जिला चिकित्सालय में आपको स्वच्छता कहीं नजर नहीं आएगी, जहां देखो आपको गंदगी ही नजर आएगी। चिकित्सालय के गेट से लेकर बाथरूम तक आपको गंदगी ही नजर आएगी। इस गंदगी के कारण मरीज व उनके अटेंडर परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनकी परेशानी किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी को दिखाई नहीं देती। अस्पताल के बाथरूम में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही वहाँ सफाई होती है, जहाँ देखो वहाँ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। कोई व्यवस्था नहीं,
पानी की भी समस्या नहीं है, पानी भी नहीं पीने मिल रहा, यहाँ ना दे, यहाँ लेटरिन बाथरूम की सफाई है, पूरा टॉयलेट भरी हुई है, पूरी पब्लिक बाथरूम और गंदगी से वास्तु के मारे बहुत परेशान हो रहे हैं। अभी आप यहाँ पे कर्मचारी को साफ मना कर देता है, आएंगे टाइम से। फिक्र मिल्लत समिति द्वारा जिला चिकित्सालय में किए गए फल वितरित। टीपू सुल्तान जयंती के उपलक्ष्य में फिक्र मिल्लत व मुस्लिम समाज के द्वारा जिला चिकित्सालय में फल वितरण का आयोजन किया गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बमोरी विधानसभा में सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही यह जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है कि कहीं उन पर मतदान करने के लिए किसी भी तरह को कोई दबाव तो नहीं बनाया जा रहा या फिर कोई प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा। पर मजे की बात तो यह है कि अधिकारी केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों से यह जानकारी इकट्ठा कर खाना पूर्ति कर देते हैं, वहीं वह उन इलाकों में नहीं जाते जहां वाकई में गरीब लोग निवास करते हैं। क्योंकि मतदान के समय यहां देखा जाता है कि गरीब तबके को ही दबंगों द्वारा या तो प्रलोभन के द्वारा या फिर डरा धमका कर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए दबाया जाता है। जब इस बारे में हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट से जानकारी लेना चाही तो वह कैमरे के आगे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे और हमारी बात को काटते हुए गाड़ी में बैठकर आगे चल दिए। समस्या पर है कि यदि सम्मानित अधिकारी इस तरह से खानापूर्ति मात्र करेंगे तो चुनाव निष्पक्ष कैसे हो पाएंगे। बमोरी से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। आपको क्या जानकारी दी? अब बोलने आल के जेब कहीं पे कोई दबाव तो नहीं दे रहा चुनाव में, ना आप लोगों से वोट तो नहीं मांग रहा, तो हमने भी करी कोई दबाव नहीं दिया। अच्छा, और क्या क्या जानकारी दी इसके अलावा? और वोट डालना बढ़िया, दबाव में किसी के मत रहना, 28 तारीख वोट। कुमराज में देसी दारू को ठेके को हटाने के लिए मोहल्ले की महिलाओं ने किया धरना प्रदर्शन। पहले भी कई महिलाओं के द्वारा विरोध हो चुका है, जिससे कुमराज थाना प्रभारी और तहसीलदार ने आकर धरना स्थल पर पहुंचकर वहां का जायजा लिया। अधिकारियों ने रहवासियों से आवेदन देने को कहा है। उन्होंने कहा कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं एवं जनप्रतिनिधियों से भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया। क्या है, आप आवेदन देते हैं यहाँ से होता नहीं, जिला से होता है। कुमराज से हमारे सहयोगी कपिल नामदेव की रिपोर्ट। पटियाला में चोरी करने पहुंचे गुना के पारदी की हुई मौत। बताया जा रहा है कि 3 चोर कल देर रात पटियाला के घुम्मन नगर में चोरी करने की नियत से पहुंचे थे, जिनमें से चोरों ने घर की खिड़की तोड़ दी, जिसकी आवाज सुनकर घर का मालिक उठ गया और उसने अपनी 12 बोर की बंदूक से गोली चला दी, जिसकी वजह से एक चोर मौके पर ही मारा गया। वह अन्य 2 साथी घायल हो गए थे, वह भागने में सफल रहे। पारदी के हाथ पर अनिल अंजलि लिखा हुआ था। मारे गए पारदी के पास से एक टॉर्च व पेचकस बरामद किया गया है। मारे गए पारदी का नाम अनिल पुत्र रामदयाल जाति पारदी, निवासी छोटी कनारी धरनाबदा थाना क्षेत्र का है। इसके ऊपर पहले ही बहादुरपुर थाने में कई अपराध दर्ज हैं। डीजीएन न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।